हे वॉल्टरमिटीज, वेलकम टू माई चैनल द वॉल्टरमिटी गर्ल। सो आज है डे 6 आउट ऑफ माई 7 ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग। सो येस, टुडे इट्स ऑल अबाउट वॉट आई एम गोइंग टू हैव इन डे 6। तो फिलहाल तो आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगा, साउंड आएगा, बिकॉज आज है रामनवमी एंड हमारे घर के सामने रामनवमी का सेलिब्रेशन, पूजा हो रहा है एंड ऑल्सो एन अन्नदान इज ऑल्सो गोइंग ऑन। सो येस, मेरा फर्स्ट मील होगा वहीं पर, डायरेक्ट मैं जाके अन्नदान के लिए ही जाऊंगी एंड वॉट एवर आई गेट आई हैव फूड ओवर देयर गाइस। तो आज का मील प्रीटी सिंपल रहेगा क्योंकि जो भी मिल रहा है मेरे को अन्नदान में, मैं वही कंज्यूम करूंगी एंड उसके बाद देखा जाएगा। अगर भूख लगेगा तो मैं नेक्स्ट मील क्या खाऊंगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो येस गाइज, स्टे ट्यून एंड वॉच द एंटायर वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। आज के लिए ज़्यादा बातचीत नहीं करूंगी क्योंकि आज डे 6 है एंड इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज, वेट लॉस सीरीज। तो ये 7 डेज का जो मैंने फर्स्ट वीक का शुरू किया वो कम्प्लीट हो जाएगा कल, मतलब और एक दिन बाकी है एंड आई विल ऑल्सो ड्रॉप यू द वेट, हाउ मच आई हैव लॉस्ट ऑल्सो ऑन डे 7। सो चेक आउट गाइज एंड वीडियो देखते रहिए आगे आगे कि मैं कहाँ गई एंड कैसे दिखता है टेम्पल एक्सेट्रा। इतने में ही मेरे को कॉल आ गया मेरे बहन से एंड वो मेरे को बुलाने लगी मंदिर आने के लिए क्योंकि अन्नदान शुरू हो गया था एंड मुझे बीच में रुकना पड़ा अपना कॉन्वर्सेशन आपके साथ। मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, आई गेट टू का कॉल ऑल्सो राइट नाउ। तो फटाफट निकलती हूँ क्योंकि फिर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई जस्ट लीव गाइस। शिट, मैं चप्पल निकालना भूल गई। आओ आओ, गर्मी बढ़ गई है दोस्तों। फिर घर के सामने ही है टेम्पल, तो बस ऐसे गेट से निकलते ही आ जाएगा। लेट मी शो यू। यहाँ शिफ्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम मैं ये टेम्पल पे आई गाइस। मेरे घर के सामने ही है बट एज़ माई डैड, मेरे डैड का 1 ईयर नहीं हुआ राइट, डेथ एनिवर्सरी, तो मैं अवॉइड करती हूँ स्पिरिचुअल प्लेसेस जाने से क्योंकि बिकॉज ऑफ द रीजंस एज़ यू नो, 1 साल तक नहीं जाना चाहिए बट आर सोसाइटी पीपल्स, हमारे जो बिल्डिंग के लोग बोले कि आप आ सकते हैं तो मैं चली गई। बहुत ही बड़ा टेम्पल है और अनेक अनेक भगवान हैं एक ही रूफ के अंडर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एवरी वन हैज़ देयर ओन बिलीव्स। यहाँ पे शिव जी, गणेश जी और कुछ देवियों का भी मूर्ति है जो मुझे उतना प्रोमिनेंटली आइडिया नहीं है, यहाँ के लोकल गॉड्स है। और ये रहा हमारे राम जी, सीता और लक्ष्मण जी, और साउथ इंडिया में स्पेसिफिकली रामनवमी एज अ मैरिज कल्याणम बोलते हैं, लाइक मैरिज सेलिब्रेट करते हैं। मैंने सुना है कि नॉर्थ में रामनवमी को एज ए बर्थडे ऑफ राम जी का बताते हैं। सो एज़ हियर एट एज इट इज़ सेलिब्रेटेड, तो मैं उस हिसाब से आपको बोल सकती हूँ। एंड आप देख सकते हो कितना लाइन है, तो मैं आगे फटाफट खाने के लिए एंड लाइन पे लग गई गाइस। एंड मेरा थाली कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैंने सारे आइटम्स नहीं लिया है, चावल, सांभर, कर्ड राइस वो भी था, तो मैं जितना खा पाई तो खा पाऊँगी उतना ही मैं ली। तो ये है चावल, साथ में एक पचड़ी था, मतलब पिकल था, गार्लिक पिकल था एंड स्वीट में बूंदी था एंड पालक का पकौड़े था। तो यस, मैं अपनी सिस्टर को बोल रही थी रिकॉर्ड करने के लिए एंड शी क्रैक्ड सम जोक गाइस। बहुत ही गर्मी था क्योंकि समर का सीज़न है राइट, तो एंड मैं बिना चप्पल के आ गया यहाँ पे और मेरा पैर भी चुभ रहा था। सो हाँ गाइस, मैं फटाफट खा के घर वापस चली गई। मेरा लंच हो गया है, जितना मिला उससे ही खुश हूँ और पेट भी भर गया। बेसिकली जितना आप देखे मेरे प्लेट में था बस उतना ही मैं डाल पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था और बढ़ते जा रहा था, तो आई कैन नॉट वेट फॉर मोर टाइम। सो आई जस्ट क्विकली हैड माई फूड एंड आई एम नाउ बैक टू माई होम। बस घर के सामने ही है ना, तो जल्दी से आगे, आपको नॉइस भी दिख, साउंड भी सुनाई दे रहा है। लेट मी एंटर माई हाउस। तो
तो गाइज अभी शाम हो रहा है एंड आप मेरा फर्स्ट मील देखे हो, जैसे मैंने खाया है आज का अन्नदान जो हुआ था अपने घर के सामने जो टेम्पल था, रामनवमी था तो वहाँ का मैंने प्रसाद खाया है। बहुत आप देखे हो जितना मेरा प्लेट में था उतना ही मैं खाई एंड मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है, बट मैं फास्टिंग शुरू करूंगी एंड मुझे भूख लगेगा पक्का। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रहा है बाहर, थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी, इतना तेज़ हवा चल रहा है शायद बारिश होने वाला है और बहुत ज़्यादा लाइटनिंग भी हो रहा है, तो मे बी इट कैन रेन टूडे। मीनवाइल मैं आपको आज अपना लास्ट मील क्या होने वाला दिखाऊंगी। लेट मी फर्स्ट शो यू हाउ द वेदर इज आउटसाइड राइट नाउ। देखो राइट लाइटिंग कैसा हो रहा है। चलो मैं अंदर आ जाती हूँ, मे बी बारिश गिरेगा अभी। सो यस, पहले बहुत ज़्यादा और हवा चल रहा था, पता नहीं मैं कैमरा पकड़ के आ गई तो शायद नेचर शर्मा गया एंड उतना हवा नहीं चल रहा है अभी, बट इतना ज़ोर से हवा चल रहा था कि मैं भाग के बाहर आई क्योंकि साउंड आ रहा था इतना, सो आई केम आउट टू सी। फिर मैं सोची कैप्चर कर लेती हूँ, बट यस जितना हो सका वो मैं आपको दिखाई एंड अभी मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों का लास्ट मील लाइक डिनर सीन क्या है। सो गाइज अभी टाइम है दूसरे मील का, तो शाम हो रहा है अभी एंड घर पे भी रोटियां बन रहा है, ये डला फर्स्ट रोटी तो बस बेला जा रहा है रोटी को, मेरे को रोटियां बनाना नहीं आता है, मैं बेल नहीं पाती हूँ, बट मैं सेक पाऊँगी एंड मैं आटा गूंथ सकती हूँ, तो यस फटाफट कर रही है। अभी करी का प्रिपरेशन हो रहा है गाइस, सो आज बन रहा है ब्रिंजाल चना दाल का करी है ये। ये रहे रोटियां, रोटियां बनके तैयार हो चुका है, ये सूखा रोटी है, मैं क्या बोलते पुलका बोल सकते हो, हम सूखा रोटी बोलते हैं एंड उसके साथ आज बन रहा है करी में आलू बैंगन बैगन एंड चना दाल का करी, ये हमारे घर पे कॉमनली बनता है, मैं आपको करी होने के बाद दिखाऊंगी कैसे बनेगा। तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से कि मैं आज नया बुक शुरू की, कल का जो मैं आपको वीडियो में दिखाई थी वो बुक बहुत पतला था जो कि मैं आपको बोली ख़त्म हो गया एक दिन में, अभी मैं एक नया बुक शुरू की, आई विल शो यू द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इसको बेसिकली बोला जाता है कि द बाइबल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको बोला जाता है ये बुक को, एंड आप बुक का मोटापा देख सकते हो, बहुत ही थिक बुक है, मैंने फ्यू पेजेस पढ़ा है, लाइक आई रेड ओनली फ्यू पेजेस लाइक दो तीन पेजेस, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बोर लगा मेरे को, नींद आ गया झट से, तो फिर सोची कि थोड़ा अच्छे से कूल माइंड से पढ़ते हैं एंड या ये ज़्यादा टास्क रहेगा। एक्चुअली मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग सेवन्थ लाइक डे सेवन आउट ऑफ सेवन में जब मैं व्लॉग प्रिपेयर करूँगी तब मैं दिखाऊँगी कि मैं कितने सारे बुक्स खरीदी इन्वेस्टमेंट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। सो यस गाइज दिस इज़ माई सेकेंड रीडिंग, आई मीन सेकेंड बुक रीडिंग, तो जो मैंने पाँच या छः बुक्स खरीदे हैं उसमें से ये सेकेंड बुक है, तो आई गेस इसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक खाना नहीं बन जाता है कुछ मूवी देख लेते हैं, कल मैं रामलीला मूवी देखी एक्चुअली, वो भी कितने बजे 12 बजे मैं शुरू की, सो यस लेट मी वॉच, जियो सिनेमास में देखते हैं। सो वी डिसाइडेड टू वॉच दृश्यम मूवी गाइस, तो चलो। सो मैं उतनी बड़ी मूवी लवर नहीं हूँ, तो आप भी मेरे जैसे हो कि अगर आप मूवीज़ देखते हो तो पुराने मूवीज़ जो आप अपने बचपन में लाइक यू मिस्ड वॉचिंग इट
देन यू वॉच नाउ. तो मैं भी वैसी ही हूँ. आई एम इन दिस सच कैटेगरी कि मैं पुराने पुराने मूवीज देखती हूँ. लाइक मेरे बचपन के जो कभी खुशी कभी गम एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि मैं अब देखती हूँ, तब देखने का टाइम नहीं मिलता था या फिर मूवीज टीवी में आते थे राइट, तब मम्मी लोग देखने भी नहीं देते थे. तो मैं अभी ओटीटी जब ऐसा रिलीज होने लगा ये सब चीज, तो मैं क्या करती हूँ पिछले 5, 6, 7, 8 सालों का पुराना या फिर कभी मैं तो बचपन में बोली कभी खुशी कम तो मेरा बचपन का मूवी है, स्कूल टाइम का मूवी है, मैं तो अभी देखी लाइक रिसेंटली आई वॉच्ड इट. एंड रामलीला तो आपको पता है बहुत पुराना मूवी है. एंड यस्टरडे आई वॉच्ड इट. तो अभी दृश्यम देख रही हूँ, मैं कभी दृश्यम देखी नहीं. सो यस आई विल बी वॉचिंग टुडे द होल मूवी. ये करी अभी बन के तैयार हो चुका है गाइज. तो यस ये ग्रेवी करी है. तो अभी हम सर्व कर लेते हैं एंड आई विल शो यू एट द टाइम ऑफ ईटिंग. तो मैंने 2 चपातियाँ ली है बिकॉज जैसे कि मैं बोली मेरा पेट भर गया ऑलरेडी. इसका साथ मैं ग्रेवी करी. तो ये रहा मेरा प्लेट, आज का ये लास्ट मील है. 2 मील मैंने खाया है. फर्स्ट ये है 2 रोटी और इसके साथ ही ग्रेवी करी. तो चलिए खाते हैं, मूवी देख के खाते हैं. तो मैंने पॉज भी करके रखा है. ये रहा मेरा प्लेट गाइस, सॉरी. तो ये रहा मेरा प्लेट एंड मैं मूवी अगर ऑन करूँगी तो आवाज़ कम आएगा, इसलिए आई एम गोइंग टू शो यू. इट्स गुड. तो मैं ये मूवी देख के खाऊंगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग गाइज. इट वॉज day 6 एंड day 7 के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए. कल मैं अपना कितना वेट लॉस हुआ है मैं मेजर करके आपको दिखाने वाली हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. चलो बाय.